जिसकी ऑर्गेनाइज जो कि ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम, फाउंडर और प्रेसिडेंट मोहतरमा सादिया शाहीन साहिबा, जो कि फारूक साहब की शरीक हाथ वाइफ हैं और उनके उनके ख्वाब को पूरा कर रही है। उनका जो ख्वाब था अपने हयात ज़िंदगी में जिस तरह से लोगों के बीच 24/7 24 घंटा जुड़े रहते थे ज़मीनी सतह से ज़रूरतमंदों के साथ, आइए इनसे बात करते हैं। सादिया शाहीन साहबा से, सादिया शाहीन साहबा एक सच्चे ख्वाब की ताबीर, उमर साहब के इंतकाल के बाद आपने उनको पूरी तरह फॉलो किया, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे शौहर 60 वॉट के बियॉन्ड भी बहुत सारे लोगों के हमेशा मकसद से उनके ज़रूरत से सामने आते थे, उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने जब भी मेरी उनसे बातें होती थी तो वो हमेशा दूसरों के बारे में, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा बातें करते थे। दूसरों के दुख के बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र रहती थी, तो हमेशा हर काम को वो आगे अंजाम देने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। किसी की भी कोई भी मजबूरी, कोई भी कारण, किसी भी प्रॉब्लम को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाते थे, उन्हें बेचैनी होती। तो ये सारी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको देखा है, हमेशा उनको ये परेशानी झेलते हुए देखा है। आज उनके नहीं रहने से जो लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो तो कहीं ना कहीं वही हैं, वो तो ख़त्म नहीं हुई है। आज मेरे शौहर ख़त्म हो गए हैं, तो आज वो परेशानियों को हल करने के लिए या कहीं ना कहीं उन लोगों की खिदमत के लिए मैं सामने आई हूँ। मुझसे जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं पूरे तरीके से आवाम की खिदमत करने के लिए आई। पिछले 6 दिनों से देखा जा रहा है मैम, पूरी तरह आप कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी रात के वक्त खानों का इंतजाम कर रही हैं ज़रूरतमंदों के लिए, तो कैसा महसूस कर रही हैं? उनकी रूह को, सर के रूह को सुकून मिल रहा होगा? बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब एक शौहर चले जाने से इससे दुख की बड़ी बात और तो कोई नहीं होती है, लेकिन उतने शौहर के मकसद को जारी रखना ये सबसे बड़ी खुशी की बात एक औरत के लिए होगी। वही चीज़ आज मैं महसूस कर रही हूँ कि आज मेरे शौहर नहीं है, पर उनका जो मकसद है वो जारी है, वो कंटिन्यू है, लोगों के मैं काम आ सक रही हूँ। मेरे लिए ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे चुना है। डेली कितने लोगों को दे रही मैडम खाना? लगभग 200 लोगों को। खाली साहब, सर आज के इस खाना के प्रोग्राम के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जो कि हाजी मरूम फारूक साहब का ख्वाब रहा है और उनको पूरा कर रही हैं सादिया शाहीन साहिबा। देखिए, सबसे खुशी की बात है कि आज पेंडेमिक सिचुएशन में ये लोग काम रास्ते पे उतर कर कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। मोहम्मद उमर फारूक सोसाइटी के तरफ से, मेमोरियल सोसाइटी के तरफ से आज ये गरीबों को खाना तकसीम करने का, बना बनाया खाना तकसीम करने का जो प्रोग्राम आज लिया गया है साबिया शाहीन के तरफ से। मोहम्मद उमर फारूक एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने जाननगर रोड और 60 नंबर वार्ड में एक सामाजिक कार्यक्रम के हिसाब से बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उम्दा काम कर रहे थे। उनका काम ही बोलता था, वो गरीबों के साथ, पार्टी के वर्करों के साथ, दोस्तों के साथ और बहुत सारे, मैं समझता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े भी रहते थे। जिस तरह से सोशल काम वो करते थे मैं देखता था, एक एक वक्त में 5,000 कंबल बांटना, गरीबों को, बच्चों को स्कूल बैग्स देना, गरीबों के हक में काम करना, ये सब हर शख्स के अंदर में नहीं पाया जाता है। वो बहुत कम ही लोगों के अंदर में ये पाया जाता है जो मोहम्मद उमर फारूक के अंदर में पाया जाता था, उन्होंने किया। उनका इंतकाल बहुत ही अफसोसनाक, हमें वो दिन याद है जब शब्बीर, मौलाना शब्बीर साहब ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने अपने तरफ से पूरी तरह कोशिश करके मेडिका के डायरेक्टर को मैंने कहा था, फिर उसके बाद एडमिशन हो गया था। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि एडमिशन में कोई भी कमी नहीं की गई और मेडिकल में कोई भी, मेडिसिन में कोई भी कमी नहीं की गई। मेडिका में जिस तरह से पूरे तौर से, मैं समझता हूँ कि हर वो सोच और हर वो मौलाना शब्बीर साहब ने जिस तरह से उनको ले आके वहाँ पे एडमिट करवाया था, 15-20 रोज़ तक मैंने देखा कि रोज़ खबर मैं लेता था, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा था। लेकिन अचानक उनका जो लंग्स था वो बहुत ही ख़राब हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि एक्मो देना पड़ा था, एक्मो मेडिका में ही आया था पहला, और एक्मो का बहुत ही कम पेशेंट जो बच पाता है। मुझे खदशा था, मुझे शक था कि कहीं ना कहीं केस ख़राब ना हो जाए। मैं अब मौलाना शब्बीर साहब से बातें करता था, लेकिन आखिर में हम लोगों ने
उनको खोया, उनको गंवाया, इसका सद अफसोस है। लेकिन अभी उनकी अहलिया साबिया शाहीन जिस तरह से आवाम के साथ जुड़कर काम करना चाह रही है और आवाम के साथ रहकर काम करना चाह रही है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों के साथ जुड़कर गरीबों को जिस तरह से खाना बांटने की कोशिश कर रही हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैम, वन माई क्वेश्चन इज टू यू, आफ्टर द डेथ ऑफ द इमिनेंट सोशल वर्कर उमर फारूक साहब, द वाइफ ऑफ साबिया शाहीन फॉलो द सेम थिंग, सी इज अटैक्ड विद द पीपल ऑन ग्राउंड जीरो लेवल 24/7 विद द पीपल डे एंड नाइट डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड द नीडी पीपल्स। How do you think that she is planning to do it? Yes, it will be difficult for her, definitely, because as we ladies depend on our husbands to help us do everything, but I'm sure looking at her that she has the go in her and she will be an example to her community ladies to come forward. And as Khalid bhai said, we are all there with her. Whenever she requires us, we are there. Okay, thank you very much, ma'am. जनाब एहतसामुल हक साहब, चूँकि आप माइनॉरिटी के सेक्रेटरी भी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इन शॉर्ट साबिया शाहीन साहबा के बारे में, जो 24 घंटा वो आम ज़रूरतमंद लोगों के साथ लगी हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही एक मतलब हमें बहुत तकलीफ़ है अंदर से कि हमने एक नौजवान साथी हमारे भाई जो 60 नंबर वार्ड के समझ लिए बहुत बड़े योद्धा थे, वो उनको खोया, इस बात की बहुत दुख है। और इस बात की एक बहुत खुशी है कि उनकी अहलिया जो साबिया शाहीन है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये पैगाम कि देखिए, मैं उनके हौसला को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो अपने हस्बैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए नीडी पीपल के जो भी ज़रूरतमंदों को पीछे खड़ा होना, ये बहुत बड़ी बात है। यही तृणमूल परिवार जो हमारा है, माँ माटी मानु सरकार। आज के शुभ दिन जे हमें सब समय थकत, जार पथ प्रदर्शन करार जन्य आमरा सब समय एगिए छिलाम, ऐ मुहूर्ते एकटा कथा मने पड़े जाच्छे जे जीवनटा मोमबत्ती नय तबुओ निभे जाय। कलकाता रियासत मगरबी बंगाल के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जनाब शब्बीर अहमद वारसी साहब, सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, जबकि मजदूर आम बेबस लोग परेशान हाल है, और ऐसे में साबिया परवीन का ये कदम कि अपने शौहर उमर फारूक के नक्शो कदम पर चल रही है? देखिए, ये बात तो सही है कि पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त पेंडेमिक के वजह से और कोरोना महामारी के वजह से लोग परेशान हैं। अफसोस की बात है, मगर साथ साथ खुशी भी इस बात की होती है कि ऐसे पेंडेमिक के दौर में ऐसे बहुत से लोग निकल कर आए जिनके दिलों में समाज का, इंसानियत का दर्द था, और जिन्होंने आकर इंसानियत की सेवा के लिए, इंसानी खिदमत के लिए बड़े पैमाने पे दिल खोलकर काम अंजाम दिया। और बिलखसूस मेरे स्टेट मगरबी बंगाल में हमारी लीडर, हमारी सीएम ममता बनर्जी ने जो काम किया है गरीबों के लिए, और पेंडेमिक के दौर में उन्होंने जो माँ किचन शुरू किया है, तो आज इस माँ किचन से सबक लेकर, उससे इंस्पिरेशन हासिल करके आज कितने लोग शहरे कलकत्ता और बंगाल में भूखों को खाना खिला रहे हैं। अभी याश तूफान गया तो आपने देखा होगा कि लोग लॉरियाँ, ट्रक ट्रक भर भर कर गाड़ियाँ लेकर जो गरीबों के मदद के लिए, उनके लिए खाना लेकर गए, कपड़े लेकर जा रहे थे। तो ममता बनर्जी आके आज एक ऐसी इंस्पिरेशन बन गई हैं कि जिनको देखकर आज साबिया शाहीन जैसी और इनकी जैसी लेडीज़ आज उनसे इंस्पायर होकर आज गरीबों की खिदमत के लिए निकली हैं। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जब तक ममता बनर्जी की लीडरशिप हमारे बंगाल में रहेगी और साबिया शाहीन जैसी लेडीज़ जो उनके मार्गदर्शक पर चलते हुए सामाजिक खिदमत का काम कर रही हैं, लोगों को खाना खिला रही हैं, इंशाल्लाह हमारे स्टेट बंगाल में और हमारे शहर कलकत्ता में अब कोई भी शख्स भूख की वजह से आत्महत्या या ख़ुदकुशी नहीं करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? आज देखिए, पहले मैं यहाँ आता था तो उमर भाई हमेशा इस्तेमाल करते थे, हमेशा वो रहते थे। आज इस जगह में उमर भाई नहीं है, एक कमी तो खैर रही है, और उमर भाई की याद हम सब के दिलों में ज़िंदा रहेगा। और ऐसी तरीके से उनके जो वाइफ ने जो काम किया है, जो उनका सपना, अधूरा सपना है, उसको पूरा करने का जो जिम्मेदारी लिया है, हम सब उनके साथ हैं। इसी तरीके से उमर भाई जैसे पहले सोशल वर्क करते थे, हर गरीब मजदूर मजलूम के साथ रहते थे, वैसे ही उमर भाई
का नाम जिंदा रहना, हमारा मकसद ही है कि उमर भाई का नाम को जिंदा रहना। और जो उनका वाइफ ने किया, हर तरीके से हम लोग पूरे जोर से उनके साथ हैं, कांधे से कांधे मिला। यहाँ है, बहुत खुशी हो रहा है कि इतना अच्छा प्रोग्राम साबिया उमर साहब ने किया है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग पहले यहाँ आते थे और उमर फारूक के यहाँ पर प्रोग्राम में शब्बीर अली के बुलावे में बहुत अच्छा प्रोग्राम करता था। और एक अच्छा सोशल वर्कर यहाँ गुजरा है, वो काफ़ी लोगों के साथ और लोगों यहाँ के लोग के दिल में रहता है वो। और अभी देख के खुशी हो रही है कि उनकी वाइफ जो है यहाँ पर साबिया उमर ये जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ के लोगों के साथ मिल के गरीबों को देना बहुत बड़ी बात है। और ये आपको कह दे रहे हैं कि आपका हम बड़े भाई हैं, जिस दिन भी याद कीजिएगा मैं बड़े भाई के नाते आपका खिदमत में हाजिर रहूँगा। मैं इतना चाह रहा हूँ कि उमर एक अच्छा लड़का था, एक अच्छा छोटा भाई था, एक अच्छा वर्कर था और सबके दिल में राज करता था। उम्मीद है कि इनका काम में भी लोग बहुत खुश रहेंगे और लोगों के दिल में राज करेंगे। शुक्रिया। इनका यही मकसद है कि जिस तरह से इनके शौहर मरहूम उमर फारूक साहब काम करते थे, ये भी उसी तरह से काम करेंगी। वो कौन है क्या जानता है, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। वो कौन है क्या चाहता है, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को अपडेट करें और लाइक करें और शेयर करें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से।